यूपी के गाजियाबाद जिले में सोमवार को एक बार फिर फीस माफी को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। मोदी नगर दयावती पब्लिक स्कूल पर बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा करते हुए स्कूल पर फीस को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ बच्चों का मानसिक रूप से उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि कोविड 19 की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बावजूद इसके फीस को लेकर बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में उनके बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं। बच्चों को कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने फीस जमा नहीं की तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसको लेकर आज सभी अभिभावक स्कूल के गेट पर पहुंचे और स्कूल प्रशासन से बात करनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। 5 आदमी 6 आदमी जाके बात कर सकते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि शुरू के 3 महीने की फीस माफ हो, और जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तब से फीस कितनी होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास की, अगर वो हमारे हक में है, अगर वो भी हमारे ट्यूशन फीस नहीं ऑनलाइन फीस, अगर वो भी हमारे हक में है 800 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए, इससे ज्यादा हम भी उसे भी मान्य नहीं करेंगे, ऑनलाइन फीस देंगे बस। हमारे भी तो ऑनलाइन के पैसे लग रहे हैं, डाटा खर्च हो रहा है, प्लस मोबाइल खरीद के लेके आए हैं, दो बच्चे हैं, तो दोनों क्लासेस के 2 मोबाइल कहाँ से लाते हैं हम? हमारे सारे घर में बैठे हैं, जॉब छूट गई है, अभी तक जॉब लगते लगते इतना टाइम हो गया, 8-10 महीने हो गए, जॉब नहीं लगी है, कहाँ से दे पेमेंट? पहली बारी तो है जो हम इस तरह से बोल रहे हैं, आज तक कभी नहीं बोला हमने। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में स्कूल की तरफ से बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, वहीं स्कूल की तरफ से बच्चों से फीस की डिमांड की जा रही है, जिसका विरोध करते हुए आज अभिभावकों ने हंगामा किया।